बदलती सियासी सूरत हाल, नून लीग के लिए मजीद मुश्किल। यौम तासीस में सीनियर रहनुमाओं की अदम दिलचस्पी, यौम तासीस की तकरीब सिर्फ 30 मिनट में ही खत्म। हमजा शहबाज, मरियम नवाज लाहौर में मौजूद मगर तकरीब में ना आए। सरदार अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी, अफजल खोखर भी ना पहुँच सके। चंद अरकान ही नारे लगाते रहे, कारकुनों में तशवीश। नवाज शरीफ ने अपनी तरक्की के लिए नहीं बल्कि मुल्की तरक्की के लिए जिदोजहद की। मियां साहिब के साथ ज्यादती हुई और झूठे केसेस बनाए गए, परवेज मलिक का खताब। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में नून लीग ही कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बना सकती है, अब्दुल अलीम खान का दावा। शहबाज शरीफ खुशी मनाए, उनके अली बाबा और 40 चोर काबू में आ गए। आसिफ जरदारी की सिंध कार्ड खेलने की कोशिशें नाकाम होंगी। सीनियर सूबाई वजीर की गुफ्तगू, अब्दुल अलीम खान से नौबलदियाती अराकीन और साबिक नाजमीन मियां इफ्तकार और आमिर खलील की मुलाकात। भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे, क्या दरियाए रावी से पानी चोरी से मुतालिक पंजाब हुकूमत को इल्म है? चीफ जस्टिस के दरियाए रावी और अबासिया लिंक के नाक से पानी चोरी से मुतालिक केस में रिमार्क सामने आए। सेक्रेटरी महकमा इन्हार से 4 जनवरी को रिपोर्ट तलब। अबासिया लिंक के नाक से गरीब मजारों का पानी चोरी करना उनका खून चूसने के मुतरादिफ है, चीफ जस्टिस के रिमार्क। मारूफ फिल्म साज चौधरी दीन मोहम्मद की जायदाद की तकसीम का मामला, सुप्रीम कोर्ट का जायदाद का तखमीना लगवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत सिनेमाघरों को फरोख्त कराकर शरीयत के मुताबिक वर्सा में तकसीम कर दी जाएगी। चौधरी दीन मोहम्मद का इंडस्ट्री में बड़ा नाम था, खराब नहीं होने दूंगा, चीफ जस्टिस। 3000 किनाल अराजी पर माफिया ने कब्जा कर लिया, इंसाफ फराहम करें। ठोकर न्याज बेग के रिहायशी कब्जा माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पहुंच गए, एहतजाजी मुजाहिरा, चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। सर्दी में इजाफा, कहीं गैस प्रेशर में कमी तो कहीं लोड शेडिंग, दो वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल। एलपीजी माफिया ने गैस के नर्ख बढ़ा दिए, एलपीजी 180 रुपए से 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, शहरियों की अपील। गैस की लोड शेडिंग, सूबाई दारुल हुकूमत में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। कोयले की मांग में भी इजाफा हो गया, मालिकान के अपने रेट लकड़ी 800 से 900 रुपए फी मन फरोख्त, कोयला भी 70 रुपए किलो हो गया। गैस मिलती नहीं, मजबूरन लकड़ियां जलाना पड़ती हैं, शहरियों की दुहाई। कुदरती गैस के बाद अब बिजली का बहरान भी शुरू हो गया। भिक्की पावर प्लांट की 3 टर्बाइनें बंद होने से 1180 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। आरएलएनजी ने मिलने के बाद टर्बाइनें बंद, शहर में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। ई चलानिंग पंजाब हुकूमत के लिए बड़ी आमदन का जरिया बन गई, 3 माह में 4 लाख ई चलान कीमत में 5 करोड़ से जायद की रकम खजाने में जमा करवाई गई। तर्जुमान सेफ सिटी अथॉरिटीज का कहना है कि नादहिंदगान के नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। सरकारी लिस्ट महज दिखावा, सब्जी मंडी में मौसमी सब्जियों की कीमतें दोगुना हो गई। आलू 6 रुपए के इजाफे से 20 रुपए किलो में फरोख्त, टमाटर 45 रुपए, प्याज 25, करेले 80, अदरक 165 रुपए में फरोख्त होने लगे। इतवार बाजारों में दर्जा 2 की सब्जियां और फल दर्जा अव्वल की कीमत पर फरोख्त। महंगाई की लहर अरूज पर लंडा बाजार में खरीदारी भी मुश्किल हो गई। जैकेट, स्वेटर, जर्सियां, जुराबे, मफलर और जॉगर्स की कीमतों में इजाफा हो गया। जैकेट 500 रुपए से 100 रुपए, जर्सी 200 से 500 रुपए में फरोख्त होने लगी, शहरियों का महंगाई का शिकवा। शहरियों के लिए वोट की मुंतकली और इंदराज का कल आखिरी रोज, इलेक्शन कमीशन के जलाई दफातर शहरियों की सहूलत के लिए आज खुले रहेंगे। शहरी कल शाम 5 बजे तक दफातर में जाकर वोट का इंदराज और मुंतकली करवा सकते हैं। लाहौर प्रेस क्लब का इंतखाबी दंगल, पोलिंग का अमल जारी। प्रोग्रेसिव ग्रुप, जर्नलिस्ट पैनल और आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जर्नलिस्ट पैनल के अरशद अंसारी और प्रोग्रेसिव ग्रुप के शहबाज मियां के दरमियान सदारत के लिए मुकाबला जारी।
जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर जाहिद आबिद और शहजाद हुसैन भट्ट आमने सामने हैं। 2288 उम्मीदवार हक के राह दही इस्तेमाल करेंगे, सहाफी बरादरी में जोश खरोश। दोनों ग्रुपों के अपनी अपनी जीत के दावे, वज़ीर-ए-आला पंजाब से फेज टू की मंजूरी ले ली, जल्द जमीन का हसूल मुमकिन बनाएंगे। सदारती उम्मीदवार शहबाज मियां का दावा, एफ और बी ब्लॉक का मसला जल्द हल करवाएंगे। लाहौर न्यूज से खसूसी गुफ्तगु, पहले सहाफी कॉलोनी बनाई, अब फेज टू भी सहाफियों को देंगे। एफ ब्लॉक के लिए प्लॉटों के साथ कम और तरक्याती काम करवाएंगे। जर्नलिस्ट पैनल के सदारती उम्मीदवार अरशद इंसारी की गुफ्तगु। जिना खिदमत खल फाउंडेशन के जेर एहतमाम 150 मुस्तहिक बच्चियों में जहेज तकसीम, चेयरमैन पीएचए सैयद यासिर गिलानी, मियां दाऊद साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, अखबार फरोश यूनियन के सदर चौधरी नजीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। इतवार के रोज टेप बॉल क्रिकेट अरूज पर क्रिकेट शायकीन ने छुट्टी के रोज किया लिबर्टी पार्किंग का रुख, छोटे और बड़े क्रिकेट खेलने में मगन। और छुट्टी के रोज करें गवर्नर हाउस की सैर, फैमिलीज और स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा भी सैर करने के लिए पहुंच गए। बच्चों की खूब मौज मस्ती, शटल सर्विस और मीठी धूप के मजे लिए।